आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही कि कांग्रेस है वो अपीजमेंट करे, आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया, पर विपक्ष के कई नेताओं का ये कहना है कि आप भी तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा, हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से, वो बता रहे हैं। वोट देने का काम जनता को करना है। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी, वो 89 से हम 85 से कह, आज से नहीं कह रहे, और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है। आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही कि कांग्रेस है वो अपीजमेंट करे, आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया, पर विपक्ष के कई नेताओं का ये कहना है कि आप भी तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा, हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से, वो बता रहे हैं। वोट देने का काम जनता को करना है। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी, वो 89 से हम 85 से कह, आज से नहीं कह रहे, और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है। आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही कि कांग्रेस है वो अपीजमेंट करे, आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया, पर विपक्ष के कई नेताओं का ये कहना है कि आप भी तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा, हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से, वो बता रहे हैं। वोट देने का काम जनता को करना है। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी, वो 89 से हम 85 से कह, आज से नहीं कह रहे, और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है। आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही कि कांग्रेस है वो अपीजमेंट करे, आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया, पर विपक्ष के कई नेताओं का ये कहना है कि आप भी तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा, हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से, वो बता रहे हैं। वोट देने का काम जनता को करना है। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी, वो 89 से हम 85 से कह, आज से नहीं कह रहे, और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है।